श्री विद्याय नमः। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, 1 से लेकर 30 सितंबर तक। इस महीने 5 बड़ी खुशखबरियां हैं, साथ में 2 सावधानियां आपको इस महीने जरूर रखनी है। प्रेम करियर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपके लिए, जो यदि आप मान लेते हैं, समझ जाते हैं, तो अपना ही आप बेहतर करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए क्या ये सितंबर का महीना लेकर के आया है, कौन सा दिव्य प्रयोग, दिव्य उपाय आपको इस महीने आपके कार्यों में सफलता आपको प्रदान कर सकता है, सभी बातों पर, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति, इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति आपके लिए रहने वाली है। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी शुक्र महाराज, वे जब ये महीना प्रारंभ होगा सितंबर का, तब आपके तृतीय भाव पर रहने वाले हैं कर्क राशि के ऊपर। मेहनत के घर पर शुक्र की स्थिति है। वही सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल आपके पंचम भाव पर, प्रेम भाव पर, और केतु महाराज आपके छठे भाव पर, रोग रिपु ऋण आदि के भाव पर। वही शनि आपके करियर के भाव पर रहने वाले हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान पर हैं। बृहस्पति और राहु कंजक्शन बनाकर आपके 12वें भाव में रहने वाले। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये सभी ग्रहों की स्थिति, नवग्रह आपके लिए इस सितंबर के महीने में क्या चीज़ें लेकर, क्या परिवर्तन लेकर आए। सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। स्वास्थ्य के मालिक जो कि शुक्र महाराज ही आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, वे तृतीय भाव पर है। और मित्रों, तृतीय भाव जहाँ पराक्रम का, मेहनत का माना जाता है, तृतीय भाव में जब कोई ग्रह चला जाता है तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित मेहनत करने लग जाता है। वहीं तृतीय भाव भाग दौड़ का भाव भी माना जाता है, मेहनत का भी माना जाता है, थकान का भी जो भाव है वह तृतीय भाव ही माना जाता है। अब व्यक्ति का जब शरीर के भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाए, तो इस महीने सभी कार्यों में ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे, परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि करने के लिए मेहनत करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, थकान और भाग दौड़ से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं थोड़ा सा एटमोस्फियर आपके अड़ोस पड़ोस का, आपके फैमिली का, आपके कार्यक्षेत्र का आपके लिए थोड़ा अनुकूल नहीं दिखाई देता, तो वातावरण में कोई भी अपनी महत्वपूर्ण बात, निजी बात बताने से आपको बचना है। तीसरा यह भी है कि आपको जो पढ़ाई से जुड़े हुए जाने के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से संबंधित जो लाभ हैं वह आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आप एक छात्र हैं, तो आपके पंचम भाव के मालिक बुध महाराज आज पंचम से 12 भाव पर रहने वाले हैं। तो शुरुआत में बुध की स्थिति आपको लाभ प्रदान करे, क्योंकि बुध यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। वहीं यदि देखें कि पंचम भाव पर मंगल महाराज स्थित रहने वाले, तो ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति के मन को भटकाव देते हैं। अब यहाँ पर आपके बुध की बात करें और शुक्र की बात करें, जो कि बुध, जैसे मैंने कहा कि पंचम से 12वें भाव पर रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपका जो मन है ऑनलाइन चीज़ों में भटक सकता है, इससे आपको थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा। अब चाहे वह ऑनलाइन मोबाइल यूज़ करना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो, ऑनलाइन चैटिंग करना हो, ऑनलाइन व्यापार करना हो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तभी आपको इस तरह से भ्रमित हो सकते हैं थोड़े से आप। अब पढ़ाई में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों से, जो कि आपके मन का भटकाव का कारण बनती है, उन्हें आपको साइड में रखकर चलना पड़ेगा। वहीं जिन लोगों को एडमिशन्स लेने हैं, नई चीज़ों में तरक्की करनी है, नई चीज़ें सीखनी है, करियर के लिए इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा और उत्तम दिखाई देता है। साथ में प्रेम और पार्टनरशिप की बात करें, तो पंचम भाव ही होता है प्रेम का, परंतु पंचम भाव पर मंगल का जब प्रभाव आता है, तो व्यक्ति का पार्टनर कहीं ना कहीं से उसके प्रति एक उग्र स्वभाव रखने लग जाता है, और पार्टनर के बिहेवियर में एक प्रकार का चेंज देखने के लिए मिल पड़ता है। यही यहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है। अब बुध और शुक्र को भी यदि देखें, क्योंकि लव के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आपके प्रेम के भाव के मालिक हैं बुध महाराज, तो शुक्र भी आपके बुध से 12वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। यानी कि यदि आप 1 कहेंगे तो पार्टनर बोलेगा 0, यदि आप 1 बोलेंगे तो पार्टनर बोलेगा 10। एक बहुत बड़ा डिफरेंस संख्याओं में भी और स्वभाव में भी एक दूसरे के रह सकता है, जो है कि तनाव का मुख्य कारण बन सकता है। अब 17 अगस्त के बाद से ही सूर्य महाराज भी इस भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा प्रेम प्यार को लेकर के। प्रेम प्यार को लेकर एग्रेशन बढ़ेगा, जिस गुस्से पर, क्रोध पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है।
नहीं तो प्रेम प्यार में सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के क्षेत्र की बात करें तो वैवाहिक जीवन के मालिक भी होते हैं मंगल माला, सप्तम भाव के मालिक। वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनर के लिए और पार्टनर के करियर के लिए, तीनों के लिए ये समय बहुत उत्तम और अच्छा दिखाई देता है। मंगल की स्थिति सप्तम भाव से एकादश भाव में स्थित रहने वाले हैं, तो यहाँ पर पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर से जुड़े व्यापारों के लिए बहुत उत्तम और अच्छा समय दिखाई देता है। इसके साथ मैरिड लाइफ में शुक्र जो थर्ड भाव पर है वे थोड़ा सा 60-70% वे भी आपको लाभ देंगे। और भाग्य को यदि हम देखें तो भाग्य भाव के मालिक आपके शनि महाराज हैं। शनि महाराज 4 नवंबर तक वक्री हैं, जो कि आपके केंद्र भाव में दशम भाव पे। यहाँ पर भाग्य आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। करियर से जुड़े हुए निर्णय आपके सफल होंगे। करियर में जो आप प्रयास करेंगे वे प्रयास भी आपके सफल होंगे। वहाँ पे भाग्य का जो साथ मिलेगा और शनि के कारण से भी यहाँ पर शश नामक राजयोग है। 4 नवंबर तक थोड़ा सा लाभ मिलने में आपको समस्याएं हो सकती हैं। लाभ आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ा डिले होकर के मिल सकता है, परंतु लाभ जरूर मिलेगा। कार्य के क्षेत्रों में उन्नति जरूर दिखाते हैं। अच्छा, जो शनि की जो स्थिति है, शनि तीसरी दृष्टि से 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो शनि का ये जो तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देखना है, ये विदेश यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्राप्त करवा सकता है। वहीं जो लोग MNC कंपनी में काम करते हैं, आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका बिजनेस है, जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब जो मेडिकल लाइन में, उनको भी ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और ऐसी सभी चीज़ें जिसमें पैसे का निवेश किया जाता है, उसमें आपको रिस्क फैक्टर से बचना है। 50% से ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपको देखने के लिए मिले तो आपको हट जाना है। वहीं करियर के क्षेत्र में जो शश नामक राजयोग बन रहा है, वह आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करवा सकता है इस पीरियड में, और उससे आपकी आर्थिक उन्नति, जो आपके साथ में धन संबंधित मामलों में समस्याएं चल रही थी, उनमें आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। MNCs कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ में विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना, विदेश संबंधित जैसे फॉरन सेटलमेंट हो गया, फॉरन में जाकर व्यापार करना हो गया, फॉरन में जाकर पढ़ाई लिखाई करनी हो गई, आदि सभी क्षेत्रों के लिए समय उत्तम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर हो सकती है। व्यापारियों को नया आइडिया, कोई अच्छा बेहतर परिणाम लेकर के आ सकता है, और किसी नए व्यापार की शुरुआत के साथ साथ आपका जो व्यापार में पुरानी जो तंगी चल रही थी वह दूर होगी, प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे, लॉस घटेगा। आपके जो व्यापार में जो लोग आपके साथ में काम छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे, वे आपके साथ में काम करने लग जाएंगे, उससे आपका प्रॉफिट दुगना तिगना होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, आप शुक्र के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, क्योंकि शुक्र की समय अवस्था कमजोर दिखाई दे रही है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके अलावा आपको शुक्र महाराज के साथ साथ जल में इत्र मिलाकर के भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक जरूर करना है, और बाद में उसको गंगा जल या साधारण जल से स्नान करा देना है। तो मित्रों, ये सब कराने से वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर तक मासिक राशिफल में यही था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।